नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मूड की एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से 2-0 की बढ़त बना ली है और पूरी दुनिया को अपनी तैयारी का संदेश भी भेज दिया है दोस्तों। और अब टीम इंडिया को इस सीरीज का आखिरी मुकाबला राजकोट के मैदान पर 27 सितंबर यानी कि आज देखने को मिलेगा, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित काफी खिलाड़ियों की वापसी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले 2 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए केएल राहुल ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी और उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने पहले मैच में 5 विकेट और जबकि दूसरे मैच में डकवर्थ लुईस 99 रनों से जीत दर्ज की। और इस सीरीज की शुरुआती 2 मैचों के बाद टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी राहत की बात रही कि वो सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की फॉर्म को देख पाए। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पास अब सीरीज के आखिरी मुकाबले में प्रयोग करने का मौका है, इसलिए ओपनिंग बल्लेबाज सुमन गिल को आराम दिया जा सकता है, जिनकी जगह पे कप्तान रोहित शर्मा शामिल हो सकते हैं दोस्तों। वहीं ऋतुराज गायकवाड की जगह पर विराट कोहली का प्लेइंग 11 में आना तय माना जा रहा है दोस्तों। तो वहीं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट पे। तो इस पिच पर टोटल मैचेस 3 खेले गए हैं और फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के खाते में 3 जीतें आई हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के खाते में 0 जीत आई हैं। और वहीं दोस्तों, इस पिच पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर रहता है 311 रनों का और वहीं हाईएस्ट स्कोर रहता है दोस्तों यहां पे इंडिया का 340 पे 6 और लोवेस्ट स्कोर रहता है दोस्तों साउथ अफ्रीका का 270 पे 7 विकेट। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड कंपेरिजन की। तो इस पिच पर टोटल मैचेस 148 खेले गए हैं, जिसमें टाई मैचेस रहे हैं 10 और वहीं दोस्तों इंडिया के खाते में 56 जीतें आई हैं और ऑस्ट्रेलिया के खाते में 82 जीतें आई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो इंडिया के प्लेइंग 11 रहने वाले हैं इस मैच में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है। ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। इसमें शुभमन गिल को बाहर बिठाया गया है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 रहने वाले हैं डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ एज अ कैप्टन, मार्नुस लबोचंग, जोस इंजलीस, एलेक्स कैरी एज अ विकेटकीपर, कैमरून ग्रीन, सीन एबॉट, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड और स्पेंसर जॉनसन। तो वहीं दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट मूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।